good morning to one and all my dear students today i am here along with the story of korea my dear students this is the subtopic of paths to modernization and in this session i shall explain about the beginning of modernization in korea as well as i shall explain about a post-war nation Pachon, कोरिया की कहानी के अंतर्गत हम समझेंगे उसके पश्चात युद्धोत्तर राष्ट्र पोस्ट वार नेशन की इन्फॉर्मेशन भी हम यह समझने की कोशिश करेंगे बच्चों ये जो सेक्शन है वो साल जुड़ा हुआ है हमारे सिलेबस में तो चलिए हम शुरुआत करते हैं द स्टोरी ऑफ कोरिया बिगनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन बच्चों आपने वर्ल्ड मैप में कोरिया को जरूर देखा होगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है ना कहानी उसी से संबंधित है जो हम आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग द लेट नाइनटीन सेंचुरी कोरिया जो सेम डिटी फेस्ड इंटरनल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रीफ एंड इंक्रीजिंग फॉरेन प्रेशर फ्रॉम चाइना जापान एंड वेस्ट बच्चों नाइनटीन सेंचुरी के अंत में कोरिया के जोशेन वंश ने उसने इंटरनल प्रॉब्लम्स सोशल प्रॉब्लम्स ये इन सभी प्रकार की जो स्ट्रिप्स थी है ना उसको उस संघर्ष का सामना किया और उसके साथ ही उसे चीन जापान और जो पश्चिमी देश थे उनके पश्चिमी देशों के जो विदेशी दबाव था उसको भी सहना पड़ा था बच्चों इन सबके बीच जो कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाएं जो थी राजनयिक संबंध थे जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था और साथ ही जो समाज के आधुनिकीकरण के लिए उनमें सुधार करने के लिए नीतियां लागू की थी डियर स्टूडेंट्स टे मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स इन इट्स गवर्नमेंटल डिप्लोमेटिक रिलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोसाइटी इन सबके बीच जहां चाइना जापान और वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रेशर कोरिया झेल रहा था उन सबके बीच कोरिया ने अपने इस सारे स्ट्रक्चर में गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर की बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सोशल रिफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करें उनके लिए एक बहुत ही सदी हुई सुधार नीतियाँ रिफॉर्म्स जो थे वो लागू किया आफ्टर डिकेट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस द इम्पीरियल जापान एनेक्स्ड कोरिया एज इट्स कॉलोनी इन 1910। बच्चों जो दशकों के जो राजनीतिक हस्तक्षेप के पश्चात जो साम्राज्यवादी जापान ने 1910 हंड्रेड में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जब रन कब्जा कर लिया और उस जिससे लगभग फाइव हंड्रेड ईयर्स से अधिक समय से चले आ रहे जो जोशोन डायनेस्टी थी जो वहाँ कोरिया में रूल कर रही थी उसका अंत हो गया जोशोन डायनेस्टी किंतु जो, जो कोरियाई लोग थे वो जापानियों द्वारा किए जा रहे जो कोरियाई संस्कृति या उनके जो नैतिक मूल्यों के जो दमन हो रहा था उससे काफ़ी नाराज थे जापान ने एक प्रकार से उसको ऑक्यूपाई कर लिया फिर वहाँ पर जो कोरियाई जो कल्चर थे जो उनकी वैल्यूज़ थी उसको ख़त्म कर रहे थे दमन कर रहे थे जिससे कोरियाई लोग जापानियों से काफ़ी नाराज थे ठीक आज़ादी के जो इच्छुक अब चूँकि जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था तो आज़ादी पाने के लिए जो कोरियाई लोगों ने ठीक उनके खिलाफ़ जापान के जो औपनिवेशिक शासन थे उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट अस्थाई सरकार की स्थापना की और कैरो याल्टा और पॉट्सडैम जो सम्मेलन थे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए अपने उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर भेजे कि हमें इस जापानी शासन से मुक्त कराएं। डिजायरिंग इंडिपेंडेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट rule, रूल up प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड and डेलीगेशन टू अपील टू फॉरन लीडर्स एट इंटरनेशनल मीटिंग सच एस as याल्टा एंड पोर्ट्स डैम तो इस तरह से जोसोन डायस्टी को नाइनटीन हंड्रेड टेन में जापान के द्वारा कोरिया को कॉलोनी बनाए जाने के बाद जोजोन जो डायनेस्टी वहाँ ख़त्म होती है जिसने कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्मेशन लाने के लिए न्यू पॉलिसीज़ को ऑप्ट किया हुआ था डियर स्टूडेंट्स द जापानीज कॉलोनियल रूल एंडेड आफ्टर थर्टी फाइव ईयर इन अगस्त नाइनटीन फोर्टी फाइव विद जापान डिफीट इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड बच्चों जापानी औपनिवेशिक शासन लगभग पैंतीस साल बाद हंड्रेड फोर्टी फाइव में सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की जब हार होती उसके साथ समाप्त हो जाता है हाव एवर इट वॉज द कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड कोरिया दैट एंस्योर्ड कोरियाज इंडिपेंडेंस आफ्टर डिफीट। बच्चों हालांकि कोरिया के भीतर और जो बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का जो लगातार प्रयास था जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया यह उन लोगों के कारण हो पाया जो वहां पर यह इंडिपेंडेंसशिप के लिए जो लोग लगे हुए थे वो उन लोगों की वजह से जापान की हार के बाद कोरिया जो स्वतंत्र हो पाया सुनिश्चित कर पाया कि अब वो स्वतंत्र है बच्चों इस स्वतंत्रता के बाद जो कोरियाई उपमहाद्वीप को अस्थाई रूप से ठीक है ये जो कोरिया था उस उपमहाद्वीप को कोरियन कोरियन पेनसुला वॉज टेम्परली डिवाइडेड अलॉन्ग द थर्टी एट्थ पैरल विद द सोवियत्स मैनेजिंग द नॉर्थ एंड द यू एन मैनेजिंग द साउथ इवन एज द नेशन वर्क टू डिजमैंड द जापानीज फोर्सेज इन द रीजन बच्चों इस मुक्ति के बाद कोरियाई उपमहाद्वीप को अस्थायी रूप से अड़तीसवीं समानांतर रेखा से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालन किया गया किंतु दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे ठीक है जो नॉर्थ कोरिया हो गया नॉर्थ पार्ट हो गया बेटा वो उसको सोवियत संघ के द्वारा संचालित किया गया और जबकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दक्षिणी क्षेत्र को ठीक है और दोनों का टारगेट किया था जापानी सेना जापानी सेना को भंग करने के लिए लगातार परिश्रम करते रहे हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो चुका था बच्चों जिसे आज आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रूप में जानते हैं 1948 में यहाँ पर इलेक्शन होते हों और उन वहाँ गवर्नमेंट जो है इलेक्शन नहीं यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होती है गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ये अस्थाई रूप से या स्थाई रूप से ये फिर ये विभाजित हो जाते हैं ओके थैंक यू वेरी मच